हेलो भाई, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बीएड के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है बीएड छात्रों की तरफ से। ये याचिका क्यों जो है यहाँ पर दाखिल की गई है, इसका कारण क्या है और ये जरूरी क्यों है बीएड वाले छात्रों के लिए, तो आप सभी लोगों को सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आप बीएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं और आप चाहते हो कि आपको बीएड बीटीसी से संबंधित सारी अपडेट आपको सही तरीके से मिले, तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर आपको मैं दिखा दूं, ये रहा यहां पर ये जो केस है उन्होंने देवेश शर्मा जी, आपको पता होना चाहिए कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ था 11 अगस्त का जो ऑर्डर आया था, उसके जो मुख्य पैरवीकार थे बीएड की तरफ से वो देवेश शर्मा जी थे। इन्होंने आज ही इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि बड़ी खबर, क्लेरिफिकेशन पिटीशन दायर हो गई है। दरअसल इन्होंने जो पिटीशन है ये कौन सी क्लेरिफिकेशन है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं और वहां पर भर्ती चल रही है, लेकिन सभी बच्चों के दिमाग में एक चीज है कि क्या हम उस भर्ती में वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं। जैसे बिहार में चल रहा है तो बिहार में अभी भी बीएड के छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम लोग उसमें बाहर हैं, क्योंकि 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त के पहले ही हम लोग उसमें फॉर्म डाल दिए थे, एग्जाम डेट भी आ गई थी, तो क्या हम लोग उसमें वैलिड हैं कि नहीं वैलिड हैं। या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र जो इस समय जॉब कर रहे हैं, क्या वो लोग बाहर तो नहीं किए जाएंगे। या छत्तीसगढ़ में जो भर्ती चल रही है, क्या वहां पर तो बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसी बीच ये बड़ी खबर आई है, इन्होंने जो है क्लेरिफिकेशन पिटीशन इसीलिए दायर किया है ताकि ये पता लग जाए कि जो ये ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को आया है ये कहां कहां पर प्रभावी होगा, क्या नई भर्तियों में प्रभावी होगा या पुरानी भर्तियों में प्रभावी होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं डायरी नंबर भी यहां पर दिया गया है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और सब कुछ यहां पर बता दिया गया। हालांकि जब भी इसकी सुनवाई होगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और इस केस जरूरी इसीलिए था और ये केस काफी अच्छा भी है क्योंकि कम से कम हम लोगों के दिमाग में जो ये चीजें चल रही है कि क्या हम लोग पुरानी भर्तियां, जैसे बिहार की भर्ती चल रही है, छत्तीसगढ़ चल रही है, एमपी में भर्ती चल रही है, झारखंड में भर्ती चल रही है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं, तो क्या वहां से बीएड को बाहर किया जाएगा या नहीं बाहर किया जाएगा। तो ये एक क्लेरिफिकेशन के लिए है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग जिससे बीएड छात्रों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।